क्या कार्यक्रम है? हम लोग जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। सरकार का जो रवैया है पदोन्नति में आरक्षण के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानना, ये बहुत ही गलत है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो किए गए हैं कि भाई पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, उसको माने और पदोन्नति में आरक्षण को बंद करें। और इसके लिए जो पहला जो अध्यादेश आया था, पहला जो प्रस्ताव आया था 1995 में आया था, वो उसको काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। संस्थाएं दिल्ली इक्वलिटी फोरम्स हैं और संस्थाएं और सपोर्ट कर रही हैं। वो जब भी कोई बड़ा प्रदर्शन होगा, आज सांकेतिक हमारा धरना था, सांकेतिक धरने में अब जैसे ये आज पार्लियामेंट का पहला सत्र स्टार्ट हुआ है, अब आने वाले टाइम में इसको बहुत जोर से और बहुत ही बड़े लेवल पे हम इसको उठाएंगे। काला दिवस का नाम दिया है आपने इसे, पदोन्नति में आरक्षण आज के दिन स्टार्ट किया गया था। हमारे साथ यूएस राणा जी जुड़े हुए हैं जो कि आजाद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आप भी आके आपने इनको अपना समर्थन दिया है, क्या कहना चाहेंगे? समस्या हमारी भी है, समस्या ये कर्मचारियों मात्र की नहीं है। हम लोग सामाजिक संगठन जरूर हैं, लेकिन समाज में देख आई हुई विकृति को कैसे सहन करते रहें? आखिर कल को ये अन्याय हमारे भाई हमारे बच्चों पर भी होना है और होता आ रहा है, ये भी तो हमारे भाई हैं। अगर इनके इसके इस काले कुकृत्य के खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आखिर ये तो चलता ही रहेगा। देश की जनता से एक ही अपील है कि बहुत हो गया अब, ये जो असंवैधानिक कृत्य जो संविधान के नाम से चल रहा है, इसके खिलाफ आप लोग सभी एकजुट होकर के एक आवाज़ उठाएं, एक ऐसी क्रांति लाएं जो 70 साल से एक वर्ग विशेष के खिलाफ, एक जो मतलब इस हद तक कि वो लोग इस हद तक अब ऊब चुके हैं कि वो कभी कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई अवसादग्रस्त हो रहा है। विभिन्न आप केस देखते रहते होंगे, विभिन्न तरीके के आप लोग सुनते रहते होंगे कि उसने आत्महत्या कर ली, उसने डॉक्टर शिवम मिश्रा लवकेश मिश्रा, इसे कितने कांड होते हैं, सिर्फ इस बात के लिए होते हैं, वो जाति वैमनस्यता के जो कारण जिन लोगों को दबाया और पीड़ित किया जा रहा है, वो लोग इस तरह के कदम उठा जाते हैं। और हम लोग अगर आज भी अगर इस असंवैधानिक कृत्य को देखते रहे तो फिर इस संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाता। सर, प्रमोशन में आरक्षण के आप लोग बैठे हुए हैं खिलाफ में, तो इससे क्या प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बताएंगे? इससे प्रॉब्लम्स क्या हैं? देखिए, एक अयोग्य व्यक्ति अगर किसी योग्य व्यक्ति के, जिसकी क्षमता भी नहीं है, जो कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है, उसको अगर उस कर्मचारी के ऊपर बिठा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कार्य की क्षमता प्रभावित होगी, एक अनावश्यक वैमनस्य पैदा होगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि आपके ऊपर कोई एक अधिकारी जिसका कोई वरीयता नहीं है, जिसकी कोई योग्यता नहीं है, वो आपके ऊपर आकर के बैठ जाता है तो जाहिर सी बात है एक वैमनस्यता तो पैदा हो ही जाएगी। और फिर क्यों कार्य क्षमता को क्यों प्रभावित किया जाए? इसलिए जो इसका हम लोग जो है इसके खिलाफ है। योग्य व्यक्ति आना चाहिए, जाहिर सी बात है, योग्य व्यक्ति आना चाहिए जिसको डिजर्व करे, जिसमें समाज के अंदर इक्वलिटी का नाम दिया है। तो इक्वलिटी तो एक बार नौकरी लगने के बाद में हम लोग हो गए ना इक्वल, ठीक है। आज एक बार मान लो ये भी क्लर्क है, मैं भी क्लर्क हूँ, इनको भी तनखा 20,000 मिल रही है, मुझे भी 20,000 मिल रही है। अब बाद में मेरे को ये जम करके आगे निकल जाए तो वो तो डिसक्वालिटी हो गई ना, वो तो इक्वलिटी से अलग हो गया। और फिर कम से कम इक्वलिटी करनी भी है तो समाज में जो तबका गिरा हुआ है, उस तबके के अंदर गिरे हुए लोगों को कंटिन्यू अगर उठाया जाए, जिन लोगों को जैसे सिलेंडर का सवाल है, गैस सिलेंडर सवाल, जिनको इक्वलिटी पे आ गए, जो वहन कर सकते हैं उन्होंने सब्सिडी छोड़ दी, जो रिजर्वेशन ले चुके हैं, जो सामान्य श्रेणी में आ चुके हैं उनको रिजर्वेशन छोड़ के जो लोग दबे कुचले लोग हैं उनको देना चाहिए। फिर इसी तरह से मतलब समाज के अंदर उद्देश्य है कि समाज के अंदर जो इक्वलिटी के लिए काम करना है, स्पेशली पदोन्नति में आरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। आरक्षण पे हैं इस टाइम, हमारा पदोन्नति में आरक्षण ना दिया जाए। समाज में एक बार जब किसी की नौकरी लग जाती है, नौकरी लगने के बाद में सब एक समान है, एक ही पद पे हो गए हैं, तो उसके बाद में प्रमोशन देने का कोई औचित्य है? ये न्यायालय ने भी कहा है, पहले भी किया हमने, राजघाट हम लोग पहले 2 साल से कर रहे हैं अभी, और ये वैसे कानूनी लड़ाई तो हम पहले 10 सालों से लड़ रहे हैं। प्रेसिडेंट दिल्ली इक्वलिटी फोरम, हाँ, मेरा नाम दीपक भारद्वाज है, मैं दिल्ली इक्वलिटी फोरम का महासचिव हूँ। इस तरीके से आप लोग आरक्षण के पदोन्नति में खिलाफ में बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे?
देश में आरक्षण दिया गया था पिछड़े हुए लोगों को बराबरी में लाने के लिए। बराबरी लाने का आधार सिर्फ इतना था कि जो व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में आ गए वो सब लोग बराबर हैं। जब गवर्नमेंट ने एक आधार निश्चित कर दिया कि गवर्नमेंट में नौकरी करने के बाद हर व्यक्ति इक्वल हो जाता है, तो नौकरी में आने के बाद प्रमोशन के लिए आरक्षण देना कहाँ तक जायज है? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, जिसे हम बाइबल की तरह मानते हैं लोग बाग, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, सभी को मानना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल अपॉइंटमेंट में आरक्षण की बात कही थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी भी स्टेज में प्रमोशन में आरक्षण की बात नहीं कही थी। जब तक वो जीवित रहे उन्होंने इस उद्देश्य के लिए कोई भी काम भी नहीं किया। उनकी मृत्यु के बाद ही 1954 में खल में उनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद ही 1955 से ऑनवर्ड प्रमोशन में आरक्षण देना स्टार्ट किया गया। 92 में पहली बार कोर्ट ने माना, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि प्रमोशन में आरक्षण देना संविधान के विरुद्ध है। उसके बाद 95 में अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट करके प्रमोशन आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। उस प्रावधान में भी चार लाइनें लिखी हुई थी कि प्रमोशन में आरक्षण देने से पहले सरकारों को यह निश्चित करना पड़ेगा कि तीन आयाम हैं अलग अलग, एक क्वालिटी ऑफ सर्विस कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC/ST कैटेगरी है वो रिप्रेजेंटेशन पूरा है कि नहीं है, इसका ध्यान रखना है। एक अभी आपने कहा कि काम में मतलब प्रमोशन में जो है आरक्षण देना वो संविधान के विरुद्ध जी, किन तथ्यों के आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? 19 मैं तथ्यों के आधार पर इसलिए कह रहा हूँ कि 1992 में जब इंदिरा सानी कोर्ट केस था, सुप्रीम कोर्ट का 9 जज बेंच ने जजमेंट दिया था, उसमें यह कहा गया था कि संविधान के आर्टिकल 16 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें प्रमोशन में आरक्षण देने का सिस्टम बनाया गया हो। उसके बाद 95 में जब जजमेंट में ही कहा गया था कि अगले 5 साल तक गवर्नमेंट जो सिस्टम चला रही है प्रमोशन का उसको चलाए, लेकिन 5 साल के अंदर ऐसा प्रोविजन बनाए या इसे खत्म करे। उसमें 3 प्रोविजन दिए गए थे जिसको गवर्नमेंट को पहले अडेयर करना था, उसके बाद प्रमोशन में आरक्षण देना था। पहला जैसे मैंने बताया आपको कि क्वालिटी ऑफ सर्विस कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज के अंदर कितना है किस कैटेगरी का वो पहले निर्धारित होना चाहिए, और उसके बाद लास्ट में था कि बैकवर्डनेस भी आइडेंटिफाई की जाए कि कौन सी कैटेगरी बैकवर्ड है और कौन सी कैटेगरी बैकवर्ड नहीं है। क्योंकि इतने वर्षों में आरक्षण देने के बाद कुछ तो बैकवर्डनेस कम हुई होगी, हजारों जातियों में से कोई तो एक जाति ऊपर आई होगी। जब SC कैटेगरी में ST कैटेगरी के अंदर मीणा जाति है, एक मीणा जाति के परिवार में हर परिवार से कम एक आदमी आज की डेट में गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन वो जाति आज भी पिछड़ी हुई है, वो आज भी जनजाति में आती है। तो कम से कम इन जनजातियों को, इन SC/ST कैटेगरी के लोगों को कोई ना कोई जाति तो ऊपर आई होगी, तो सरकार अपनी इस नीति का कहीं तो मूल्यांकन करेगी। उस मूल्यांकन करने के लिए गवर्नमेंट को हम कह रहे हैं आप मूल्यांकन कीजिए।